गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. शुभम चौधरी, शुभम, विनोद कुलारिया, विनोद, हर्षित. यस सर. फिर कनेक्टिविटी की दिक्कत है क्या? फिर साउंड नहीं जा रही है आपके पास. हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, आपकी आ रही है. शुभम चौधरी, शुभम, विनोद, विनोद बोला खड़ा अभी. विनोद, विनोद, हेलो क्या? हाँ हेलो, बोलो बेटा. कह रहे नेटवर्क की दिक्कत है क्या? नेटवर्क की दिक्कत है क्या? नहीं है, नहीं है. देखो बेटा, क्या है कि जिसको सुनना है, जिसको समझना है, वो शांति से चुपचाप सुने. जिसके पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, जिसको दिक्कत है, वो अपना म्यूट करके बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ये स्लाइड मैं शेयर कर दूंगा, आप और भी जगह से पढ़ सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ऐसा नहीं है यूट्यूब पे हमारे लेक्चर नहीं है, बहुत सारे लोग लेक्चर बनाते हैं, IIT से बनाते हैं, NIT से बनाते हैं. क्या होता है, जो सगे संबंधी होते हैं आपके, वो तो रिश्तेदारी चलती है. रिश्तेदारी इसलिए चलती है कि भाई शादी करवाना है, जीजा है, मौसा है, मामा है, मामी है. जो एजुकेशन होता है, जो टीचर होता है ना, वो टीचर आपको ज्ञान देता है कि आपकी फ्यूचर बनता है उससे. और फ्यूचर किसी के बनाने के लिए 10% भी काफी काफी होता है, 90% भी काफी होता है. कहने का मतलब 10% में किसी की फ्यूचर बन जाती है, वो अपने नॉलेज से खुद 80% 90% गेन कर लेता है. कुछ लोगों को 90% देने के बाद भी 10% गेन नहीं कर पाते हैं. तो आपको अपना फ्यूचर बनाने के लिए टीचर की रेस्पेक्ट भी जरूरी है, और साथ साथ में अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि 10th क्लास में या 12th क्लास में कहीं ना कहीं आपका बेसिक वीक है. या तो अब तक पढ़ते आए हो, जो भी चीजें, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंसर, बहुत सारी चीजें इसमें आती है. मशीन डिजाइन में उतनी सारी चीजें मैं बता नहीं सकता आपको, अभी इतनी ही बात समझ में नहीं आती है. बेंडिंग मोमेंट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जिसकी स्ट्रांग है मैकेनिकल में, उसकी कोई भी सब्जेक्ट हुई मैकेनिकल की, वो स्ट्रांग रहेगी. थ्योरी के सब्जेक्ट तो ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाते हैं दो बार रटने पे. न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट तभी स्ट्रांग होते हैं जिसकी मैकेनिक्स अच्छी होती है. और मैकेनिक्स के लिए जरूरी ये है कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो आप, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मोमेंट के, जो है स्ट्रेस के, ठीक है, स्ट्रेन के, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. तो आपको ये सारी चीजें, मनीष कुमार सुथार, मनीष, मनीष कुमार सुथार, तो ये पढ़ना आपको है, समझना आपको. जो लोग नहीं समझना चाहते हैं, जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी बात ही नहीं है. और मशीन डिजाइन का सिलेबस इतना ज्यादा है, अगर आपको फेल किया जाए तो आपको 4 साल के बाद 7वां साल भी आ जाए तो डिग्री नहीं मिल पाएगी. तो जो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है, उसको समझने की कोशिश करो. 1 घंटे के लेक्चर में 40 मिनट में अगर 20 मिनट भी समझ में आ जाता है ना, थोड़ी बहुत बातें, तो उतने से आगे भी जब एक दो बार रिवाइज करोगे तो क्लियर हो जाएगी. दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन चल रहा है क्लासेस, ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों को कुछ चीजें समझ में आती होंगी, कुछ चीजें नहीं आती होंगी, नेटवर्क की दिक्कत होगी, होती होगी, कभी डायग्राम दिखता होगा, कभी नहीं दिखता होगा. तो आप बुक जो है, बुक को लुटाओ, उससे कंपेयर करो. देखो, कंपेयर करना जरूरी है, कंपेयर करके पढ़ो कि हाँ सर ने बताया था ऐसे था, इसमें ऐसा है, तो क्यों ऐसा है. और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो देख रहे हैं कि दोनों में सेम लग रहा है, तो आपको ये चीजें खुद से पढ़नी पड़ेगी. क्लास में ना तो आपको आने की इजाजत है, और ना तो हमें क्लास लेने की क्लासरूम में इजाजत है. तो आप लोगों को क्या है कि जो मुझे जितना आता है मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है ना. रही बात टीचर की रिस्पेक्ट की, तो रिस्पेक्ट करना आपका काम है. अगर आप रिस्पेक्ट मेरा नहीं करोगे, तो मैं भी आपका डिसरिस्पेक्ट करूंगा. डिसरिस्पेक्ट में क्या होता है कि अभी देखो, सबके इंटर में मार्क्स जो है 50% से कम है, 4-5 बच्चे जो है उनके ज्यादा है. उसमें भी मैंने अभी भी बढ़ाए हैं, इसमें इतना गंदा परफॉर्मेंस है. तब भी आप क्या है कि आपको ये रहता है कि अभी मैं बच्चा हूँ, अभी आप बच्चे नहीं हो. जैसे ग्रेजुएट, अभी देखो तुम्हारा 5th सेमेस्टर है, 6th में जाओगे, 6th के बाद आपको पता चलेगा कि मेरे 4 साल बीत गए, पता ही नहीं चला कि क्या पढ़ा मैंने और क्या सीखा. तो आपको खुद से पढ़ना होगा, बुक उठाइए, खुद से पढ़िए. और 2 न्यूमेरिकल आप अच्छी तरह से तैयार करके मुझे बताएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे,
उससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। दो न्यूमेरिकल अगर आपको अच्छी तरह से आता है किसी टॉपिक से तो 60 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। लीवर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। लीवर इज ए मशीन एलिमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द एफर्ट एंड रेज द मैक्सिमम लोड। तो मैक्सिमम लोड उठाना है आपको कम एफर्ट में। अब ये होता है आपको जो भी लीवर है वो लीवर क्या है, फर्स्ट काइंड का भी हो सकता है, सेकंड काइंड का भी हो सकता है, थर्ड काइंड का हो जाता है। थर्ड काइंड का जो लीवर होता है उसे यूज ही नहीं करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बहुत कम होता है। फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हैं, फर्स्ट में मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन होता है। मैकेनिकल एडवांटेज का जो फार्मूला होता है वो होता है लोड डिवाइडेड अपॉन एफर्ट, कितना लोड आपने उठाया और कितना आपने अपने हाथ से फोर्स लगाया। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मशीन है, मशीन को अगर इनपुट दे रहे हैं तो कितना लोड उसने उठाया। तो लोड उठा, जैसे भी आपने देखा होगा लोड उठाता है, इनपुट है जो उसके अंदर इंजन लगा हुआ, जितना एफर्ट ब्रेक पावर दे रहा है। लोड जो मान लो क्रेन है, पत्थर उठा रहा है, ईंट उठा रहा है, सरिया उठा रहा है, वो लोड हो गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज फर्स्ट काइंड लीवर ज्यादा यूज होता है, बट सेकंड काइंड को भी यूज करते हैं। थर्ड काइंड बिल्कुल ही एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज बहुत कम होता है। अब रही मोमेंट, देखो कोई चीज अगर आपको उठाना है, जैसे हाथ से या कोई चीज सामान उठाते हो तो आपके जो कोहनी है यहाँ पे टर्निंग होता है। देखो ये टर्निंग है, मोमेंट हो रहा है, मोमेंट। तो मोमेंट का इक्वेशन अप्लाई करना होता है वहां पे, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा। कल न्यूमेरिकल मैं जो डिस्कस कर रहा था उसी न्यूमेरिकल में रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कल आवाज तो जा नहीं रही थी और साथ साथ में आवाज कट रही थी, वॉइस कट रही थी, नेटवर्क की दिक्कत होती है, तो मैं न्यूमेरिकल फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। देखो वो न्यूमेरिकल आया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपको ऐसा नहीं है कि कोई पिन लगा दिया दो एलिमेंट के बीच में तो बन गया, वो पिन बनाओ, पिन भी क्या होनी चाहिए, पिन के ऊपर क्या होता है ब्रास की वो लगाई जाती है, ठीक है ना, होलो सिलेंडर टाइप की, उसके ऊपर डिपोजिशन, मतलब वो भी रोटेट करती है उसके सरफेस पे। मैंने पहले बताया था औरतें चूड़ियां पहनती हैं, तो चूड़ियां क्या है आपके हाथ जो है सिलेंड्रिकल, मान लिया सिलेंड्रिकल है तो ऊपर चूड़ी आ गई, चूड़ी फिट बैठ जाती है, चूड़ी रोटेट करती है। तो इस तरह से वियर क्या होता है, पिन का कम हो जाता है। अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल मैं कैसे सॉल्व, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। डिजाइन डेटा बुक अगर आपके पास नहीं है तो डिजाइन डेटा बुक की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, आप कहीं से मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाता है, हर चीज गूगल गूगल फ्री है, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल आपको मैं बताता हूँ सर। हाँ हेलो सर। हाँ कौन सर, हमारे एग्जाम से रिलेटेड कोई न्यूज है क्या? कोई न्यूज नहीं है, तुम्हारे एग्जाम होने नहीं है अभी, ठीक है ना। नहीं सर, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 17 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी कोई एग्जाम स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, अगर एग्जाम स्टार्ट होंगे अभी तो दिसंबर के महीने में, मान लो 20 तारीख तक कुछ भी नहीं होना है। एग्जाम अगर आपके स्टार्ट भी होते हैं तो उसकी भी कोई ना कोई गाइडलाइन आएगी। तो एग्जाम स्टार्ट होने के लिए तो अभी हमारे पास तो नहीं है। आरटीयू देखो, आरटीयू क्या ट्राई कर रहा है कि एग्जाम करवा लेंगे दिसंबर में, एग्जाम करवा लेंगे जनवरी में। अभी कोविड की संख्या फिर बढ़ गई है राजस्थान में, तो राजस्थान में अभी तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस महीने कुछ होने वाला है। हाँ ये टारगेट रखते हैं कि नवंबर में कोविड की संख्या कम थी, तो उनका टारगेट था कि चलो यार क्या करेंगे हम दिसंबर में एग्जाम करवा लेंगे। अब दिसंबर में ठंडी के महीने में कोविड की संख्या बढ़ गई है, तो हो सकता है पोस्टपोन होकर जनवरी में चली जाए। बट जैसे फाइनल ईयर वालों का एग्जाम हुआ है वैसे ही आपका एग्जाम हो सकता है। दो क्वेश्चन ही करने होते हैं, दो यूनिट से ही क्वेश्चन करने होते हैं उसमें, नहीं तीन यूनिट से क्वेश्चन करने होते हैं, तीन यूनिट से क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन तो पांचों यूनिट से आते हैं बट तीन क्वेश्चन ही आपको करने होते हैं, 80 नंबर का ही होता है, 80 मार्क्स का, 2 घंटे का पेपर होता है। इस तरह से पेपर का शेड्यूल बना हुआ है, ज्यादा देर तक आपको क्लासरूम में नहीं रुकना है, सैनिटाइजर लेके आना है और साथ साथ में क्या है कि मास्क लगाकर आना है, और तीन यूनिट से ही क्वेश्चन आपको करने हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दो यूनिट से न्यूमेरिकल अच्छी तरह से तैयार करो, एक साफ्ट का तैयार कर लो। मैं क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा आपको आरटीयू का, 2-3 साल का, आज ही भेज देता हूँ, कल भेजने वाला था भेज नहीं पाया, डाउनलोड नहीं हो पाया था। उसमें से कोई दो यूनिट का जो पक्का 2-3 साल तक रेगुलर आ रहा है न्यूमेरिकल, एक वो न्यूमेरिकल तैयार करो और एक और न्यूमेरिकल तैयार करो जो भी आ रहा है रेगुलर। अब 60 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे, एक थ्योरी पकड़ लेना कहीं ना कहीं से, या तो तैयार करना चाहते हो तो 5 यूनिट तैयार कर सकते हो। सिलेबस बहुत ज्यादा है डीएमई में, एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो, टेक्सटाइल वाले तो ऐसे फेल होते हैं, अभी तक ढो रहे हैं सब डीएमई को, और तुम्हारे सीनियर भी ढो रहे हैं डीएमई को। जब तुम्हारे सीनियर को तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था ज्यादा, 3-4 यूनिट पढ़ा, 3 यूनिट पढ़ाया था मैंने, तुम्हारा तो सारा खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बाकी रह गया है।
तुम्हारा केवल एक न्यूमेरिकल बाकी रह गया है, वो भी अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का और बेंडिंग ऑफ बीम का रह गया है। अभी मैं लीफ स्प्रिंग का भी इसके बाद खत्म कर दूंगा सिलेबस, लीफ स्प्रिंग में उसकी डिजाइनिंग। और देखो लीवर में कुछ है नहीं, डिजाइन डेटा बुक है आपके पास, उसको देख देख के डायग्राम भी बना लो और साथ में उसकी स्टेप भी फॉलो कर लो। उसमें सब लिखा रहता है डिजाइन डेटा बुक में, आपको डेटा ढूंढनी होगी। केवल डेटा ढूंढने का काम है, ये डेटा कहाँ से आएगा, इसको कैसे करना है। तो जब तक एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। उसमें तो अच्छी बात है, डिजाइन डेटा बुक लेकर बैठे रहो और न्यूमेरिकल कर लो। 50% न्यूमेरिकल तो डिजाइन डेटा बुक से हो जाता है, बट डिजाइन डेटा बुक में ढूंढने आना चाहिए। देखो ये तो हैंड लीवर था, लीवर एक ही आता है बट मैंने सारा पढ़ा दिया लीवर। यहां पर आओ, ये न्यूमेरिकल देखो, देखो ये था न्यूमेरिकल कल मैं बता रहा था, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। इसी से न्यूमेरिकल आते भी हैं, इसी का न्यूमेरिकल मैंने देखा है आरटीयू में। वेल क्रैंक लीवर का न्यूमेरिकल है। अब देखो ये कल मैंने बताया था, ये फुलक्रम है। फुलक्रम वो होता है जो पिन ज्वाइंट होता है और साथ साथ में वहीं से टर्निंग मोमेंट होता है, इस घूमता है। अगर इधर तक फोर्स लगाते हो, वेट देखो लगाया हुआ वेट नीचे की तरफ है डब्लू, तो ये टर्न करेगा, तो ये टर्न करेगा, तो इसके अबाउट रोटेट करेगा, तो ये वाला इधर जाएगा। न्यूमेरिकल मैंने कल आपको बताया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस न्यूमेरिकल को। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल मैं वही लेता हूँ जिसमें डायग्राम दिया होता है। कभी कभार क्या होता है न्यूमेरिकल में डायग्राम नहीं दिया होता है, तो आप भी जब भी आरटीयू का न्यूमेरिकल सिलेक्ट करोगे जिसमें डायग्राम दिया होगा तो उसमें सारी चीजें पता चल जाती है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो एग्जाम्पल के सेंटेंसेस दिए हुए समझ में नहीं आते हैं, तो सिंपल है समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। बट जो डायग्राम वाले होते हैं वो इजी होते हैं, एक्सरसाइज वाले भी जो डायग्राम के होते हैं वो इजी होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका वेल क्रैंक लीवर है, ठीक है, ये पिन फुलक्रम है। इसका अबाउट क्या होगा, टर्निंग मोमेंट होगा। यहाँ पे लोड लगा हुआ है, कोई सपोज कर कोई बंदा बैठ गया है, यहाँ पे कोई बैठ गया है, ठीक है ना, बैठा हुआ है, इधर से आप फोर्स लगा रहे हो तो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो टर्निंग मोमेंट इस फुलक्रम का अबाउट होगा। अब देखो कहना क्या है इसको, इसका कहना ये है कि ये पिन टूटे ना, तो पिन की डिजाइनिंग करनी है। पिन की डिजाइन करने के बाद ये जो आर्म है, ये वाली बड़ी बड़ी लेंथ जो है, इसकी मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे है, तो इसकी विड्थ निकालनी, कितनी विड्थ होगी, थिकनेस कितनी होगी, ये इस पोर्शन पे यहाँ पे निकालनी है, ध्यान रखना। तो दो काम करना है, एक तो पिन फुलक्रम पे, फुलक्रम पिन को डिजाइन करना है, कितनी डायमीटर होगी, कितनी लेंथ होगी, और दूसरा ये आर्म जो लेंथ है इस पे कितनी इसकी विप्त होगी, कितनी थिकनेस, दो ही काम करना। अब इसको निकालने के लिए तो क्या क्या किया इन्होंने बता रहा है, मैंने फोर्स लगाया फुलक्रम से 150 mm डिस्टेंस पे है, वेट लगाया इन्होंने 500 mm की डिस्टेंस पे है। तो सीधी सी बात है, मोमेंट वाला एक फॉर्मूला लिख लेंगे आप, W मल्टीप्लाई 500, ये करेगा क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा, इधर फोर्स लग रहा है तो इस पिन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा, इन्होंने बैलेंस कर लिया है। W मल्टीप्लाई 500, इधर P मल्टीप्लाई 150, तो इसमें देखो कौन सी वैल्यू दी हुई, W की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 4.5 किलो न्यूटन, तो P आ गया, फट आपको पता चल गया। अब देखो क्या है, W पता है, P पता चल गया आपको, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी निकाल सकते हो इसकी। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W डिवाइडेड अपॉन P, कल मैंने बताया था। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर क्वेश्चन में कहीं पूछता है तो भी निकाल सकते हो आप, हो गया इसकी मैकेनिकल एडवांटेज। अब P की वैल्यू आ गई, देखो ये P की वैल्यू आ गई और W की वैल्यू आ गई। अब इनका, अब पिन पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पिन पे देखो, ए वाला जो पिन है इस पे फोर्स निकाल लिया, इस पे फोर्स निकाल लिया, ठीक है, अब इस पे फोर्स निकालेंगे, क्योंकि टर्निंग मोमेंट इसी पिन के अबाउट होगा, यही सबसे जल्द पहले फेल होगा। तो देखो इस फोर्स को मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम लगा करके यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे, इसको ट्रांसफर कर लिया यहाँ पे। तो ये दोनों फोर्स क्या है, 90 डिग्री पे है, P और W 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट कहीं बीच में आ जाएगा आपका, तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू अंडर रूट, अब 90 डिग्री पे फोर्सेस लगे होते हैं तो R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। तो P पता चल गया, W पता चल गया, R की वैल्यू आ गई। R की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है, R की वैल्यू जो आई थी
5600 के आसपास, देखते हैं कितनी आई थी, दूसरे वाले स्लाइड में है। देखो यहाँ पे 5660 न्यूटन आया हुआ है, ठीक है, ये इस पे फोर्स आ गया, इस पिन पे जो फोर्स लग रहा है ये डायरेक्शन होगा, बिल्कुल ये डायरेक्शन होगा और ये 45 डिग्री होगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे ये आप आ रहा जाएगा। अब फुलक्रम पिन की सपोज कर लिया मैंने, डायमीटर डी है लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखो अब पहला लिख रहा है, पहला डिजाइन क्राइटेरिया ले रहा है, पिन की डिजाइन कर रहा है, तो डिजाइन फॉर फुलक्रम पिन, तो इसकी डायमीटर ले लिया इन्होंने फुलक्रम पिन की, और लेंथ, लेंथ तो होगा अंदर की तरफ, लेंथ जो होगी इसकी, इसकी अंदर की तरफ जो लेंथ होगी। अब देखिए, अब जैसे कोई पिन है, देखो इसमें न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में एक वैल्यू और दिया हुआ है, यहां पे पिन पे लगने वाला बियरिंग प्रेशर, ये प्रेशर है, बियरिंग प्रेशर है, घिसना, जैसे घिसेगा ना, क्रसिंग, जैसे जानते हो क्रसिंग बताया था, क्रसिंग के लिए हमें एरिया क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो मान लो हमारा फोर्स ऐसे लग रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स लगा है, इसके परपेंडिकुलर जो एरिया बनेगी, अगर ये पिन का ये सेंटर है तो एक लाइन खींचोगे सेंटर से पास होने वाली, ठीक है, और अंदर की तरफ लेंथ इसकी एल हो अंदर की तरफ, तो देखो अगर ये पिन है, आपके पास कोई पिन है इस तरह से, मैंने बताया था, इसको बीच से काट दो तो आपको रेक्टेंगल दिखेगा, या टॉप व्यू देखोगे इसका तो नीचे की तरफ क्या होगा, रेक्टेंगल बनेगा टॉप व्यू, तो जो टॉप व्यू बनेगा रेक्टेंगल उसकी जो एरिया होगी, देखो डी डायमीटर ऑफ पिन और लेंथ ऑफ पिन, तो वो एरिया मिलेगी, और जो आर अप्लाई होगा उसी एरिया पे अप्लाई होगा, डी मल्टीप्लाई एल पे। अब देखो ये फोर्स जो लग रहा है आपका उसी प्लेन पे लग रहा है, बट ऑलरेडी पिन पे लगने वाला बियरिंग प्रेशर दिया हुआ है, तो प्रेशर दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो आर पीबी मल्टीप्लाई एरिया, पिन की जो एरिया है, जो क्रसिंग एरिया हो रही है, बियरिंग प्रेशर जो होता है क्रसिंग एरिया में लेते हैं, ध्यान देना है प्रेशर की बात कर रहा है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है ना, इस वजह से हमने पिन ले रहे हैं, बीच से कट कर दे रहे हैं, इसका टॉप व्यू जो आ रहा है, टॉप व्यू का जो एरिया होगा वो डी मल्टीप्लाई एल, डायमीटर हो जाएगा पिन का एल, तो देखो जो बियरिंग प्रेशर है उसकी जो यूनिट है वो स्ट्रेस के इक्वल है, बताया था मैंने प्रेशर और स्ट्रेस की यूनिट सेम होती है, तो देखो प्रेशर और एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा, और इस पे लगने वाला फोर्स जो आर है आपका, ये 15660 न्यूटन हो गया, कोरिलेट कर लिया, ये आर भी इसमें इंक्लूड हो गया, जो आर निकाला आपने, बियरिंग प्रेशर दिया हुआ है और एरिया भी दिया हुआ है, एरिया आपने जो भी माना, डायमीटर ले लिया है डी और लेंथ ले लिया एल, तो इस तरह से आप कोरिलेशन बना सकते हो, कोरिलेशन बन गया, मैंने पहले भी बताया एरिया को अगर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स आता है, तो वैसे ये हो गया। अब क्या है कि पिन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो क्या डिजाइन डेटा बुक में जो लेंथ होती है पिन की वो डायमीटर की 1.25 टाइम्स डी होती है, तो पुट कर दिया इसमें, इसके जगह 1.25 टाइम्स डी, देखो यहाँ पे, तो देखो D की वैल्यू आ गई, ये तो दिया ही है, D की वैल्यू निकाल ले, D की वैल्यू इनकी आ रही है 35.4, तो 36 लेते हैं, बताया मैंने पहले भी बताया 36 ज्यादा लेते हैं इस वैल्यू से, और L की वैल्यू भी आ गई। अब देखो आपके पास हमें जो पिन बनानी, कोई भी मटेरियल दिया हुआ है, पिन का जो फॉर्ज स्टील दिया हुआ है, फॉर्ज स्टील दिया हुआ, वो कोई मटेरियल दे दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, लेथ पे जाएंगे और 36 mm की डाया की एक रॉड बनाएंगे, और जिसकी लेंथ होगी 45 mm, वो पिन की तरह काम करेगा, ये हो गया। मैंने दूसरा है, देखो बियरिंग प्रेशर क्रसिंग की तरह ही है, मैंने पहले बताया। दूसरा है कि पिन टूट जाए, आपके पास एक पिन है और पिन टूट जाए, वो तो घिस रहा था, टूटने का मतलब ये टूट गया और ये टूट गया, टूटेगा तो ऐसे ये बीच वाला बाहर हो जाएगा, ये निकल करके तो टूटेगा, तो देखो ये सर्कुलरली इधर से भी दिखेगा और सर्कुलरली इधर से भी दिखेगा, तो दो सीयर एरिया आया था। अगर डायमीटर इसकी पिन की डी है तो पाई अपॉन 4d² ये भी होगा, पाई अपॉन 4d² ये भी होगा, तो दो एरिया यहाँ पे आ गया आपका। और ये जो होता है इस एरिया के पैरेलल सीयर होता है, सीयर आपको पहले भी बताया, सीयर में क्या होता है टाउ, सीयरिंग टाउ का मल्टीप्लाई तो फोर्स आ जाएगा, सीधी सी बात है,
एरिया को सीयर से मल्टीप्लाई कर तभी फोर्स ही आएगा, बात एक ही है। तो ये क्या हो गया आपका, इतना फोर्स मैंने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से टाउ। देखो अब ये टाउ आपको ये वाला नहीं रखना, डी आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, यहाँ पे डी ऑलरेडी आपने निकाल लिया है। अब इस डी को लेके कैलकुलेट करेंगे कि टाउ कितना आ रहा है। ये टाउ तो ऑलरेडी दिया हुआ कि मैक्सिमम मैं इतना सेफ कंडीशन के लिए लगा सकता हूँ, मतलब 60 मेगापास्कल मैक्सिमम लगा सकता हूँ, तब पिन फेल होगा। ठीक है, बहुत है, बस देखता हूँ मेरा कितना आ रहा है। अगर मैंने डायमीटर निकाला 36 और लेंथ निकाला 45, तो डी की वैल्यू हमने निकाली है, तो डी पुट कर दिया 36, टाउ की वैल्यू आ गई 7.7 न्यूटन पर एमएम। ये बहुत कम है, किससे, 60 मेगापास्कल से। हम सेफ जोन में है, सेफ जोन में है तो सीधी सी बात है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये वैल्यू आपकी 7.7 ज्यादा आ जाती, किससे, किससे, 60 मेगापास्कल से ज्यादा आ जाती आपकी, यहाँ पे कहीं आ जाती 77 आ जाती मेगापास्कल, यहाँ पे मान लो 77 आ जाता मेगापास्कल, तब क्या करते, 77 मेगापास्कल 60 से ज्यादा मतलब फेल हो गया। इसका मतलब ये डी की वैल्यू हमें ज्यादा लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, डी की वैल्यू हमें ज्यादा लेनी पड़ेगी। डी जितना ज्यादा होगा उतना ही ये वैल्यू क्या होगी, टाउ की वैल्यू कम आएगी। ठीक है, देखो डी और टाउ पास पास में मल्टीप्लाई है, तो आपको ऑलरेडी रिलेशन में पता होता है इस तरह से कोई वैल्यू होती है तो ए बढ़ेगा ए घटेगा, ठीक है ना, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये रिलेशन बना सकते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हम जब भी एनालिसिस करते हैं सेफ जोन में रह के एनालिसिस करते हैं, तो आपको वैल्यू आपके लेवल पे यही वैल्यू दी रहेगी, ये आ जाएगी, इतनी ही आएगी 7.7 मेगापास्कल। तो सीयर से फेलियर के चांसेस इसके कम है, ठीक है, 7.7 मेगापास्कल आ रहा है और 60 मैक्सिमम है। अब पिन हो गया, ये पिन जो है आपका जो पिन रॉड आपने बनाया ये लेथ पे जाके, ये इंटरनल इसकी कोड आया हो गई। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, सिलिंड्रिकल हॉलो 3 mm की ये के ब्रास बुश लिखा हुआ डिपोजिशन दे देते हैं। कहने का मतलब मान लो ये आपकी पिन है, आपने पिन बनाई, तो इसके ऊपर ये पिन डायरेक्टली अगर इससे लिंक होगा लीवर से तो घिसेगा जल्दी, तो इसके ऊपर क्या करते हैं ऐसे ही हॉलो ब्रास की एक सिलिंड्रिकल मटेरियल जो भी है सिलिंड्रिकल एलिमेंट इसको ऊपर इंसर्ट करा देते हैं, जैसे चूड़ी पहन लेता कोई बंदा, ठीक है ना, जैसे वाशर डाल देते हैं बोल्ट के अंदर, ठीक है ना, तो ऐसे तो ये पहले घिसेगा। अब क्या होगा, ये टर्न भी कर जाएगा अंदर, और घिसने का चांस किसका है, ब्रास का है। तो ब्रास क्या होता है, जल्दी घिसता नहीं है। अगर ये थिकनेस इधर 3 mm है और इधर भी 3 mm है तो 6 mm, तो ये 66 mm क्या कर, 36 में 6 mm ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 42 mm। तो डायमीटर ऑफ होल इन लीवर, मतलब ये जो होल लीवर में बनाया गया, इसमें बनाया गया होल, ये 42 रखेंगे, बट अभी भी इससे भी ज्यादा होता है। अब बॉस बनाते हैं, फुलक्रम ऑफ बॉस, आउटर डाया, ये बाहर वाली डाया, तो ये जो कोड आया आता है 36, कहाँ गया 36, यहाँ पे इसकी डबल ले लेते हैं, डबल। तो यहाँ पे बताया था कल 15 इधर हो रहा था, ये रेड वाला 15 इधर हो रहा था, 15 इधर हो रहा था, ठीक है ना, जो भी था, तो इस तरह से मैंने बताया था। इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको यहीं तक एनालिसिस करनी है। फुलक्रम बॉस का पूछता है तो बॉस का भी बता दोगे, ठीक है ना, फेल्योर नहीं होगा क्योंकि अब थिकनेस बढ़ती जा रही है डायमीटर की, और जो शाफ्ट ज्यादा मोटा होगा, थिक होगा, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। मोमेंट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के अकॉर्डिंग जो भी शाफ्ट जितना मोटा होता जाता है, थिकनेस उसकी बढ़ती जाती, थिकनेस मतलब डायमीटर बढ़ती जाती है, उतना स्ट्रांग होता है। अब आ जाओ, अब इसमें, अब देखो इसमें जो फुलक्रम पिन है उसकी फेल्योर की बात कर रहा है, बेंडिंग की वजह से फेल्योर हो रहा है। तो बेंडिंग की वजह से फेल्योर जो होता है, ध्यान से सुनना आप, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं मैं बता रहा हूँ आपको, जितना आए उतना ही लिखना, जितना आए उसे लिखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, जितनी सारी चीजें बता रहा हूँ उतनी सारी चीजें लिखने की आपको जरूरत भी है, जितना पूछ रहा है क्वेश्चन उतना ही बनाते जाओ आप, जाओ। हाँ देखो यहाँ पे, अब ये पूरा बॉस, मतलब ये बॉस तक का हो गया, मतलब ये पूरा इतना जो होल है पूरा बता दिया कि ये बनेगा जो बॉस का सर्कुलरली डायमीटर वो 72 बनेगा। अब ये देखो अंदर की बात कर रहा है कि जो फेल्योर लिखा हुआ बेंडिंग मोमेंट एट फुलक्रम, अब देखो ये हमारे पास 4500 न्यूटन ये आया था पी की वैल्यू,
ठीक है ना, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है ये भी नहीं पता है। सॉरी, पी की वैल्यू जो आई थी, पी की वैल्यू जो आई थी आपकी ज्यादा थी, सॉरी बेटा, पी की वैल्यू आई थी 15,000 के आसपास न्यूटन, ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू आई थी आपकी 4500 न्यूटन, सॉरी, ये डेटा याद करना पड़ेगा। जैसे आपकी स्लाइड पीछे चली गई, फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि ये डिजाइन मशीन एलिमेंट का न्यूमेरिकल है, तो डेटा आपको देखनी पड़ेगी। देखो पी की वैल्यू जो आई थी हमारी 15,000 न्यूटन आई थी यहाँ पे, डब्ल्यू की वैल्यू 4500। तो पी जो है हमारा अफर्ट है और ये फुलक्रम के पास है पी, तो ये स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, देखो थिक ज्यादा है, ठीक है ना, वेट की वजह से फेल्योर, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे वेट की वजह से फुलक्रम पे बेंडिंग मोमेंट। अभी बेंडिंग मोमेंट नहीं निकाला है, बेंडिंग मोमेंट निकालने का मतलब है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालनी जरूरी है। अब देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट फुलक्रम, फुलक्रम पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो ये लोड जो इन्होंने लगाया यहाँ पे, लोड डब्ल्यू 4500 न्यूटन, तो देखो 4500 न्यूटन हो गया, और कितने डिस्टेंस पे फुलक्रम पिन से 500 mm पे है, तो इतना न्यूटन mm आ गया। बेंडिंग मोमेंट सीधी सी बात है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, तो ये आ गया आपका, ये बेंडिंग मोमेंट इतना आया, सीधी सी बात इसी लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट आएगा, तो इसी से निकालेंगे, ठीक है। ये ज्यादा वैल्यू भी आ रहा है, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब सेक्शन मॉडुलस निकालना है। अब सेक्शन मॉडुलस मैंने आपको बताया था, जेड इज इक्वल टू आई डिवाइडेड अपॉन वाई। ये जो आई होता है, या आई एक्स एक्स हो सकता है, या आई वाई वाई हो सकता है। अब ये देखो यहां पे, इन केस में इन्होंने आई, देखो ये क्या है, 1/12 × 45 इन ब्रैकेट 72³ - 42³। जरा ध्यान से सुनना आप, ये हमारा पिन है, व्हाइट वाला पिन है, इसके ऊपर ब्रास की बुश लगी हुई है, जो बॉस है हमारा, बॉस वो रेड वाला है, तो ये हॉलो ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है, और उसका जो है इस सेंटर के अबाउट सेक्शन मॉडुलस निकालना है, इस सेंटर के अबाउट सेक्शन मॉडुलस निकालना है। अब रेड वाले को कंसीडर कर रहे हैं हम, कि रेड वाला जो मटेरियल है अंदर सब हॉलो है, रेड वाला मटेरियल अंदर सब हॉलो है, और फ्रंट से देखा हमने तो ये हमें रेक्टेंगुलर सेक्शन दिख रहा है, फ्रंट से देखा हमने तो रेक्टेंगुलर सेक्शन दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इसकी हम सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे, जरा ध्यान से सुनना। अब देखो रेक्टेंगुलर सेक्शन है और सेंटर से पास कर रही कोई एक्सिस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। रेक्टेंगुलर का होता है 1/12, ठीक है, 1/12 जिस एक्सिस को काट रहा है, जिस साइड को काट रहा है, इस साइड को ये एक्सिस सेंटर वाला काट रहा है, तो ये क्यूब में चला जाएगा 72³। इसके अलावा जो दूसरा साइड बचेगा ये वाला साइड, वो 45, वो इसके साथ आ जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा BT³/12 रेक्टेंगुलर सेक्शन का, BT³/12, तो ये पूरे का बन गया, ये पूरे रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो रेड वाला बनाया मैंने बन गया। अब इसमें से ए वाला माइनस कर देंगे, ये जो ए वाला पोर्शन, पिन और बुश माइनस कर देंगे, तो इसका भी हो जाएगा -1/12। कौन सा क्यूब में आएगा, ये वाला पोर्शन क्यूब में आएगा, 42 वाला, क्योंकि ये साइड क्या हो रहा है, बीच वाला सेंटर वाला एक्सिस कट कर रहा है, तो 42³ माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 45 × 45, क्योंकि दूसरा साइड है। इस तरह से फार्मूला बन गया, ये बन गया आई का, आई क्या बना किसके अबाउट, ये जो सेंटर दिया उसके अबाउट, उसके अटेंडेंस लगा दीजिए आप, डिवाइडेड अपॉन, आई को डिवाइड करते हैं किससे, वाई से, तभी जेड आता है आपका। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल सेक्शन कितना है लेंथ 72, तो 72 का हाफ ले लेंगे, आपको पता है सेंटर से डिस्टेंस टू मैक्सिमम कितनी हो रही है, 72 डिवाइडेड अपॉन 2, तो ये आपको सेक्शन मॉडुलस मिल गया।
तो जेड भी आ गया, देखो जेड भी आ गया और एम भी आ गया, बेंडिंग मोमेंट आ गया। बेंडिंग मोमेंट और जेड दोनों आ गया, तो बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा? तो बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन जेड होता है। ये सारे लीवर में इस तरह की एनालिसिस बेंडिंग के लिए हुई है। बेंडिंग की एनालिसिस इसी तरह से होती है, स्ट्रेंथ हम मटेरियल में भी पढ़ते हैं, हम इसी तरह की एनालिसिस। तो ये जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो 7.22 मेगा, ये भी बहुत कम है, जबकि आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन 85 होना चाहिए वर्किंग, तो आप बहुत कम सेफ जोन में ऑलरेडी हुआ, बहुत दिनों तक चलेगा ये, 15-20 साल तक चलेगा, ठीक है ना। देखो इतना कुछ समझ में आ गया कि कैसे करना है, जरा आपसे मैं फीडबैक ले लूं इसका, कितना समझ में आया है। फिर मैं आगे डिजाइन फॉर पिन ए, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन फॉर पिन एट ए, तो जो हमारा पिन यहाँ पे फुलक्रम का पिन है उसकी डिजाइनिंग आपने कर ली, तो उसी की सेम डाया और लेंथ की ए पे भी ले सकते हैं और बी पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ए पे तो ले सकते हैं, ये पास पास में है, बी पे लेने के लिए हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो ए के पास देखो दिया हुआ है, ए पे 36 ही लिया है और लेंथ भी इसकी 45 लिया हुआ, बॉस की जो डाया लिया हुआ 72 लिया हुआ यहाँ पे। अब बी की एनालिसिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, बी का पिन कितना, क्योंकि दूर है, और दूर है तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें जो लीवर है, क्योंकि आगे की तरफ इसकी क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कल फिर क्लास होगी इसी टाइम।